नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन रहिछ अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ता उपरे नजर पकाइबा हेले प्रथमे हेडलाइंस बातिल हेबो के जुक्त दुई परीक्षा आज गणशिक्षा मंत्री को अध्यक्षता रे बसुछि गुरुत्वपूर्ण बैठक जोगदेबे सीएचएससी रो वरिष्ठ अधिकारी एग्जाम बातिल ने नियाचय पारे निष्पत्ति राज्य में कोरोना डेथ्र अलोड़ा रेकर्ड दिनक सर्वाधिक 40 जन मृत्यु 8399 नुआ पॉजिटिव जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिले पीक अतिक्रम कर सारा कोरोना देश में आउ 1,32,788 आक्रांत चिन्हित बालेश्वर बालियापाड़ पुणि कंगारू कोर्ट छेली चरैवा को नहीं स्वामी और स्त्री को गच्छरे बांधि ग्रामवासी निर्धुम पिटिता अभियोग बालियापाड़ थाना मामला रुजु आरंभ कॉर्पोरेट सेक्टर में कोविड टीकाकरण भुवनेश्वर आईओसीएल परिसर में कार्यक्रम शुभारंभ कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आगामी दिन में अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में वैक्सीनेशन राज्य में प्राक मौसुमी वर्षा आरंभ पानीपाग विभाग सूचना राज्यर 7 जिले सक्रिय रही पाग बिजुली कड़कड़ी सह हो वर्षा एवं कोविड रोगी को अनवरत जगह सेवा आत्मीय दूर करुवा बेले रोगी पाखे पहुंचुंट कोविड दायित्व नोडाल अफिसर कोविड रोगी मृत्यु पर निजे कले अंतिम संस्कार चर्चा भद्रक टीड़ी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तरी टीम आसवा संपूर्ण खबर को बातिल हेबो कि युक्त दुई परीक्षा गणशिक्षा मंत्री अध्यक्षतार बसी बैठक सीबीएसई सीआईएससी बोर्ड द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल होई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसी उच्च क्षमता संपन्न मंत्रीस्तरीय बैठक में निष्पत्ति परे ओडिशा सरकार को उपरे नजर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित द्वादश श्रेणी परीक्षार भाग्य कौन हेबो पूर्व दिन में सीबीएसई जो निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार ताकु अनुकरण कर दृष्टि राज्य सरकार द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल बा एक प्रकार निश्चित बोली कह सतरूपा सामंतराय और भुवनेश्वर प्रतिनिधि बाबद आलोचना सहित फोन लाइन जोड़ सतरूपा जदि कह पूर्व जमीक सीबीएसई परीक्षा को नहीं राज्य सरकार सीबीएसई रो ढांचा को अनुसरण करती जितेबले गतकाली सीबीएसई परीक्षा को बातिल करा जाई आज बैठक बस कौन वास्तविक संभावना देखा युक्त दुई परीक्षा को बातिल करा कि निवेदिता देखो गतकाली सीबीएसई रो द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करा जाईथला एहा सहित मुख्यमंत्री काली द्वादश श्रेणी जो रही सीबीएसई परीक्षा गतकाली बातिल करा जाईथला प्रधानमंत्री अध्यक्षतार गतकाली बैठक बसिबा परे सबु जिनिष को आखि आगे रखी कोविड महामारी को आखि आगे रखी यही निष्पत्ति नियाजेथवार गतकाली केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रतिक्रिया रखिथिले जेहेतु कि महामारी समय चली सबु जीवन सबुठारु अधिक मूल्यवान तेणुकरी गतकाली सीबीएसई रो द्वादश परीक्षा को बातिल करा जाईथला एवं पूर्वर मध्य आमे देखिछु जेतेबेले केन्द्र रे किछि निष्पत्ति होइथाय ता परे परे राज्य सरकार मध्य ताकु नेकि एक बड़ घोषणा करिथांति निष्पत्ति नेइथांति तो सेही परिपेक्षी रे आजि मध्य द्वादश जो सीएचएससी रो द्वादश परीक्षा जदि कथा कहिबा प्लस टू परीक्षा कथा कहिबा ताकु नहीं एक उच्च स्तरीय बैठक बसी वर्चुअल माध्यम रे गणशिक्षा मंत्री उपस्थित रही सूचना मिली अनेक जो रही सीएचएससी रो जो माने उच्च स्तरीय जो रही अधिकारी माने मध्य उपस्थित रही वर्तमान सुधा बैठक चली खूब शीघ्र जना पड़ राज्य में प्लस टू परीक्षा बातिल हबो ना नाही ताकु नहीं वर्तमान एक बैठक बसी उच्च स्तरीय बैठक बसी मुख्यमंत्री याकु नहीं तर्जमा बोली गणशिक्षा मंत्री पूर्व सूचना देते तो जहां वर्तमान स्थिति में जमापड़ महामारी समय चली सबुठ जीवन मूल्यवान तेणुक परीक्षा गुड़िक पूर्व दशम श्रेणी परीक्षा बातिल करवेदिता आप जानते दशम श्रेणी परीक्षा को बातिल करा तो वर्तमान स्थिति में प्लस टू परीक्षा परीक्षा कथ आसी कोरोनार द्वितीय लहर चली द्वितीय लहर में अनेक जीवन वर्तमान जाऊार आम समस्ते देखीचे तेणुक परीक्षा जदि भी हुए जदि हुए परीक्षा कि भाव में राज्य सरकार कंडक्ट करे कि भाव में महामारी को परीक्षा समय चेक देवे नहीं एक बड़ चैलेंज हो पाए तेणुक जहां वर्तमान स्थिति में जो बैठक बसी उच्च स्तरीय बैठक बसी वर्तमान
ताकु नहीं वर्तमान बैठक में वर्तमान तर्जमा चली परीक्षा हम ना नहीं जहां वर्तमान स्थिति में जहां परीक्षा अनुध्यान करेतु कि गत काली द्वादश श्रेणी जो सीबीएसई परीक्षा रही सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा जेहेतु कि गत काली केंद्र सरकार बातिल कर सारी तेणुक जहां वर्तमान स्थिति में समस्त जो बुद्धिजीवी मान कथा कहतु शिक्षाविद मान कथा कहतु समस्ते जहां अनुमान कर चलित वर्ष जो राज्य में जो जो रही द्वादश श्रेणी परीक्षा सीजीसी द्वादश श्रेणी प्लस परीक्षा टी बातिल होई पारे बोली जो शिक्षा जो बड़ बड़ शिक्षाविद माने रही वर्तमान जहां अनुमान किंतु बैठक परे ही निष्पत्ति परे ही मुख्यमंत्री जिते बड़े घोषणा करिवे सेते बड़े ही जना पड़िबो कि राज्य रे प्लस टू परीक्षा हम ना नहीं किंतु गत काली पूर्व आम देखी सारीचे गत काली प्रधानमंत्री अध्यक्षतार जो बैठक बसी प्रधानमंत्री अध्यक्षतार जो बैठक बसी गृहमंत्री उपस्थित थे प्रतिरक्षा मंत्री उपस्थित थे अर्थमंत्री एवं समस्ते उपस्थित रही केंद्र केन्द्र समस्त मंत्री उपस्थित रही गत काली जो द्वादश श्रेणी सीबीएसई परीक्षा बैठक बसी अपेक्षा जी कौन वास्तविक निष्पत्ति आसुचे जेहेतु पिला भविष्य कथा सामना को आसुचे तेणु कौन निष्पत्ति रही तो नजर रही सतरूपा अटके भी आपण को परवर्ती समय आवश्यक पड़े आपको फेरबी आम सहित रघुनाथ पंडा शिक्षाविद आम सहित जोड़ श्रीयुक्त पंडा आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करी जो कथा कहुची जमती कि सीबीएसई परीक्षा को गत काली बातिल करागला आज जेहेतु बैठक बसी एक बड़ निष्पत्ति आसीपे जो युक्त दुई परीक्षा बातिल करा जाउछि कि नै आउ जदी बातिल करा जाउछि ताले विकल्प कोन यहार नमस्कार समस्त को आ अर्गस न्यूज को भी बहुत धन्यवाद मैडम देखंतु काली जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो व्यवस्था कले ताको हमें स्वागत करूछु काहे कि पिलांकर जीवन आ सुरक्षा होची प्रथम तापर होची हम करियर आ सीबीएसई ठीक डिसिजन नै चंती हमर अनुरूप भी डिसिजन हबो काहे कि देखंतु जते सब नेशनल लेवल परीक्षा अछि सब जाक गोटे प्रकार हबो होल इंडिया रे जेहेतु सीबीएसई रो से माने कैंसल कले आमर भी सेई भली करिया उचित हो बोली मु भाबुची काहे कि आमर तो आहुरी लिमिटेड स्कोप अछि किंतु मैडम आमर गोटे जिनस असुविधा हबो जोटा सीबीएसई रे सुविधा हेतला से मानक प्रैक्टिकल परीक्षाटा सरी जैतला आमर पिला मानकर प्रैक्टिकल परीक्षाटा हेई परिनी आमर कोनसी गोटे छात्र बा छात्री प्लस टू पास करिया पहले प्रैक्टिकल रे पास करिया पड़िबो थ्योरी रे पास करिया को पड़िबो एणु सेही परीक्षा टाकू सरकार बहुत चिंतित अछंती ता उपरे डिसिजन नेपे ताकू गोटे केमती गोटे डिसिजन नै कि गोटे रूल नुआ करी ताकू करिवे आउ पिला मानकर आमर आउ गोटे असुविधा हो मैडम देखंतु आमर कोनसी प्रकार परीक्षा हे पारनी आमर केवल डेढ़ मास काल पिला माने केवल कॉलेज को स्कूल को जाईथिले आउ किछि परीक्षा एते हेइनी आउ बहुत गुड़े सुनामधन्य कॉलेज अच्छे भुवनेश्वर भितर जो हजार हजार पिला अच्छा अध्यापक अध्यापिका भी सरकारी महाविद्यालय नहांती एणु से ही कॉलेज रे पाठ पढ़ा तो हेनी परीक्षा ही नथिबो एणु ए गोटे प्रश्न उठिबो जे सीबीएसई रे जो असेसमेंट हेची आउ से मानको प्रैक्टिकल परीक्षा जेंति आपण कहउथिले जे किछ असुविधा हे पारे काहेकि ना सीबीएसई रे प्रैक्टिकल परीक्षा सरछि किंतु युक्त दुई द्वादश परीक्षा रे प्रैक्टिकल एग्जाम हेनी तेणु ये कोटना कोटि गोटे असुविधा सृष्टि करि पारे श्रीयुक्त पंडा आपण कौन लागुचि विकल्प व्यवस्था कौन रहिबो एवं कौन रहिबा दरकार मैडम देखंतु परीक्षा निश्चित भाबे आमे कैंसल करिबा जेहेतु सीएचएससी गोटे ऑटोनॉमस बॉडी आउ तार कंट्रोलिंग अथॉरिटी हला गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एणु हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गोटे ऑर्डिनेंस करी ताकु करि पारिबो जे एई प्रकार असुविधा परिस्थिति माने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हेछि एणु ताकु आखि आगे रखि कि पिला मानकर जीवन रक्षा पई आमे पिला मानकु प्रमोशन दबु एटा करि पारिबे आ एटा हेबो भी निश्चय एटा ही हबो किंतु मैडम गोटे कथा मुइ रखिया पई चाहुंछि देखंतु प्लस टू पिला जो माने पास करंती प्लस थ्री पास प्लस थ्री को जानती पढ़ती भिन्न भिन्न ऑटोनॉमस कॉलेज रे तांकर सिलेक्शन हुए एडमिशन होंती एणु से माने तांकर इंडिपेंडेंट परीक्षा करिवे आंको सिलेक्शन करिवे आउ गुटे कथा मु आपनक माध्यम रे पिला मानंकु अभिभावक मानंकु कहिया पय चाहुंची जे से माने प्रस्तुत होंतु एनईटी परीक्षा जेई मेन परीक्षा दबा पई आउ सेही परीक्षा निश्चित भाबरे ऑल इंडिया लेवल रे गत वर्ष भी हेइतला हमर डिसेंबर मास रे एही वर्ष भी सेही जनवरी बळकु निश्चित भाबरे हबो एणु किछि असुविधा हबनी आमे सरकार को अनुरोध करी आपण को बातिल करा जाऊ परीक्षा
आउ पिला मानकु जेतेबेले सुजित पंडा आपण जेमति कहतले जे बातिल करा जाउ जेहेतु कोविड महामारी समय समस्त जीवन निहाती मूल्यवान छात्र छात्री स्वास्थ्यगत दृष्टि एभली एक निष्पत्ति सीबीएसई पक्ष आज राज्य सरकार पक्ष कौन निष्पत्ति आसुच्छे जदिव ताक अपेक्षा रही तेज श्रीजुक्त पंडा परवर्त समय परीक्षा देवाई विकल्प रही कि निश्चित मैडम मुझे आपत एकमत रोचे निश्चित भाव में जिते पे चाहिए जो पिला बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट अच्छा देखु जो मैंने कि गत वर्ष गोटे पिला आमर छह रु पांच चौस्तरी पांच अनाशी मार्क रखिक रखी तहार तो बर्तमान किसी परीक्षा है तार स्कूल रे से ही छात्र छात्री मैंने तो निश्चित भाव दुखी है कहीं वर्ष सारा से पाठ पढ़ी तेणु से ही पिला मैंने जो मैंने चाहिए सरकार गोटे स्कोप दिंतु जो सीबीएसई रखी जे जने जदि छात्र छात्री चाहिए ताहले सी तार कर कहीं देखो भविष्य में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को सेमाने अप्लाई करेंगे तांकर ए प्लस टू मार्क टाकु सेमाने कंसीडर करेंगे एणु से गोटे स्कोप दिया जाओ जे सेमाने चाहिले पुनर्बार परीक्षा दे पारे। ओके बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रघुनाथ पंडा शिक्षावित जोड़े होते जहाँ से कहते हैं पिला किसी ऑप्शन रहू जमीक जो छात्र छात्री माने जो मैंने वेल एजुकेटेड रही जो मर मार्किंग बेस भल आसे किंतु कौटना कौटि जदि समस्त को सामान मार्किंग कराए तेज से भविष्य कथा जेहेतु किसी विकल्प व्यवस्था करमती जदि जो मैंने चाहिए से परीक्षा दे पारे तेज सतर्पा सामंतराय आम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि जोड़ी बाबद आलोचना करते धन्यवाद जनईबी तेज परवर्त खबर को आसवा हेले पूर्व नहीं जा एक छोट ब्रेक ब्रेक पर स्वागत राज्य में चिंता बढ़ाऊ कोरोना दैनिक संक्रमण खसुवा बेले मृतकों संख्यार किंतु ब्रेक लगुनि गत 24 घंटा रे आउ 40 जन जीवन नहीं महामारी मृतकों मध्य अनुगुल कटक खोर्धा कलाहांडी पांच जन लेखाएं रही बेले झारसुगुड़ चारि बौद्ध रायगड़ तीन जन लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होती देवगढ़ नवरंगपुर संबलपुर जिलूार दुई जन लेखाएं रही बालेश्वर ढेंकाना जाजपुर और मलकानगिरी जे लेखाएं आक्रांतों मृत्यु घटी तेरे गत 24 घंटे चिन्हट होती 8399 नुआ आक्रांत क्वारंटीन 4741 लोकल कंटाक्ट केस रही 3658 खोर्धार सर्वाधिक 1102 जन पजिट चिन्हट होती कटक 766 जाजपुर 514 मयूरभंज 485 पुरी 475 सुंदरगढ़ 477 अनुगुल 468 ढेंकानाल 451 जन चिन्हट होती रायगड़ 292 जगतसिंहपुर 269 बालेश्वर 240 केन्द्रापड़ 210 नयागढ़ 223 नवरंगपुर 200 बरगढ़ 199 केन्दुझर 186 कोरापुट 178 बौद्ध 166 भद्रक 147 संबलपुर 143 सोनपुर 143 मलकानगिरी 128 बलांगीर 116 कंधमाल 95 देवगढ़ 81 गजपति 80 गंजाम 65 झारसुगुड़ 53 नुआपड़ 34 जन चिन्हट होते स्टेटपुर 185 जन संक्रमित चिन्हट होते राज्य में कोरोना पीक अतिक्रम कर सारी तलम्ब होना राज्य में कोविड स्थिति नहीं मत रखिंट जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र से कहते राज्य में ब्लाक फंगस रोगी एत ना मोट 41 जन रिपोर्ट अच्छी से चिकित्साधीन अच्छा आग को जदि संख्या बढ़े से प्रस्तुत रोच सब जिला हस्पिटाल कोविड अणकोविड रोगी स्वतंत्र वार्ड और कोविड हस्पिटाल कोविड अणकोविड रोगी स्वतंत्र वार्ड वर्तमान देश में संक्रमण खसुची आम राज्य में विलंबरे संक्रमण बढ़ुवे खसुची अन्य राज्य अपेक्षा मृत्यु संख्या राज्य में सबुठ कम मे मासरे अधिक गुरुतर रोगी थिबारु अधिक मृत्यु होउछे सेपरि तृतीय लहर पर प्रस्तुति चलता कहते जनस्वास्थ्य निर्देशक तबे स्वतंत्र टास्कफोर्स करा जाइछि जून रे कोरोना खसिबा आरंभ करुछे आहुरी कमिबो बोली आशा करा जाउछे आंदे किंतु काले बढ़िया आम प्रस्तुत तो आगुआ करूचे वर्तमान सुधा आम पाखे टोटाल बोधे 41 जन रिपोर्ट आम पाखे अच्छी एत संख्यार बढ़ी अन्य राज्य तुलन में अगर राज्य तो हजार हजार संख्यार अच्छा काले बढ़िया आम से प्रस्तुति करें जाणीजे यहाँ गोटे यूनिफर्म प्रोसेस चले देखो ऑल ओवर इंडिया बर्तमान खसुची आप देखिए जिते महाराष्ट्र गुजरात अधिका थी तमिलनाडु इत्यादि अधिका था आम से तो ये अधिका ना तेणु आम से मानकर किसी पछुआ चलीचे संक्रमणटा आमको डेरी आसी तेणु से अनुपात खसब
ନାଇଁ ଜମା ବଢ଼ିନି ଆମେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତେଣୁ ଆମେ ଦୈନିକ ହିସାବ ରଖନ୍ତୁନି ପୁରା ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶରେ ସେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଆର୍ଟିପିସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ସେହି ହିସାବ ରଖନ୍ତୁନି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଓପନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁଠି ଆର୍ଟିପିସିଆର କରିହେବନି ତେଣୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଅନୁପାତର କି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁପାତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ କଭର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ କଭର କରିହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାର ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏ ଖବର ଆସୁଛି ରାଜଧାନୀରୁ। ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସେଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଖବର କ'ଣ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ନେବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ରାଜଧାନୀ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିଏ ସେ ମହିଳା, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ, ସେଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସିଧାସଳଖ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କାରଣ କ'ଣ, ସେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଆସିଲେ? ମ୍ୟାଡାମ କଣ ହେଲା, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଲେଖନ୍ତୁ।
चित्र देखुले जड़े महिला किभली भाव आसी नवीन निवास आगे आत्महत्या उद्यम करुते प्रकृत में से जनक नाँ कथार स्पष्ट हो स्वामी आउ का सहित संपर्क अच्छी किंवा से बोध हुए आउ का करमती किसी से कहते छोट छुआटे रही है पुलिस उपर भरोसा उठी जा कहीं से खंडगिरी थाना महिला थाना बुलूंट एमती डीसीपी सहित भेटिता से कहते मत थाना को नियनी मुझे मरवाक चाहूँगी मु मुख्यमंत्री को भेटाक चाहूँगी एक से बारंबार कहते प्रकृत में महिला जड़क किए क्यों से आसी सुशांत कुमार पात्र नामक जड़े युवकों ना से नौते बास्तविक से किए सहित संपर्क कौन सहित कौन बास्तविक घटी संतोष लगातार भाव आम प्रतिनिधि सेठार अच्छा संतोष किए से महिला एवं पूरा घटना कौन जानवाक चाहिए आप देखो निश्चित भाव डेलांगु जे महिला आसते सीधा सड़क नवीन निवास सामने रे आत्महत्य उद्यम करते वर्तमान सुधा पीसीआर वर्तमान से महिला जनक उठे नहीं जाइए आम सीधा सड़क नवीन निवास सामने दृश्य देखुचु महिला जनकर अभियोग जे स्वामी बहुत करने सहित एकाधिक युवती बहुत स्वामी पुलिस सहित अति घनिष्ठ बंधुता किसी साइबर फ्रॉड रे से सामिल अच्छा एपरिकाखे से बंधुक निजे रखिंटक अनैतिक कार्यक्रम सहित अनेक क्राइम एक्टिविटीज रे तांको स्वामी सामिल अच्छी सब बड़ कथा जो लोपामुद्रा जो महिला आसते अनेक टंका पैसा सुना गाड़ी लुटी नहीं फेरार हो जाता कथा अभियोग आ सी जो जो जगह को जाठी पुलिस संपर्क स्वामी जे सुशांत महापात्र कथा आनुंचना कौन प्रकार न्याय मिल पार्थी जो गोटे दुई वर्ष छुआ को धरी से सीधा सड़क मुख्यमंत्री घर सामने आज आत्महत्या उद्यम करने आसी आत्महत्या उद्यम करने पूर्व पुलिस धरी सहित आसी जड़े महिला और दुई वर्ष पुओ से महिला लोपामुद्रा जे महिला जनक आत्महत्या उद्यम करने आसते ये तीन जन को पुलिस वर्तमान एयरफिल्ड थाना को नहीं अर्थात यापर तुम पचराउचरा समस्या कौन रही क्यों परिस्थित से आत्महत्या उद्यम करने को आसे जो खंडगिरी थाना महिला थानार ना से अभियोग आणुचिक तदंत क्षेत्र में ठीक भाव होना नहीं स्वामी एमती किए कि जहाँ पुलिस सहित अति घनिष्ठ संपर्क अच्छी क्राइम एक्टिविटीज रे पुलिस साथ दौली वर्तमान से अभियोग वास्तविक अपेक्षा से समय को पुलिस वर्तमान जेहेतु नहीं जाए उठे नहीं जापर मुख्यमंत्री को अभियोग पत्र से एपर्तना से आसिले ही स्पष्ट हो पार प्रकृत में पुलिस कथा बुझला कि नहीं से मुख्यमंत्री को भेट पारे कि नहीं ओके बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना सदास को आमको नवीन निवास मुखर जहाँ प्रतिक्रिया रखुते जहाँ से कहते जी महिला जनक देलांगु आसमी अनेक स्वामी अनेक महिला सहित संपर्क रही है एमती कि साइबर फ्रॉड सहित से संपुक्त अच्छा पाखे बंधुक रही है एमती कि जो महिला जनक अभियोग आंकर छोट छुआटे रही बारंबार से थाना को दौड़ यार मध्य से दुईट थाना अभियोग खंडगिरी थाना जाइंट महिला थाना जामती डीसीपी को भेटी जहाँ से प्रतिक्रिया रखुते कि कौटी न्याय मिले शेष से बाध्य नवीन निवास सामना को आसी आत्महत्या आज उद्यम करते बर्तमान समय पुलिस एयरफिल्ड थाना को नहीं परवर्त समय कौन पचराउचरा तथ्य सामना को आसूसी तदंत क्योंड़े जापर मैं नजर रही समय सर बुलेटिन को सारे विदा दिंतु नमस्कार।